अरे कृष्ण, इंटरनेट कनेक्शन टूट गया था, तो अभी हम दूसरे पार्ट में हम उसको सुनेंगे। तो हम देख रहे थे कैसे पृथ्वी देवी जो है वो हमारे सभी इच्छाओं की पूर्ति करती है, इच्छाओं या नेसेसिटीज, आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। इसलिए उसको क्या बोलते हैं, दुगा मही, धर्म दुगा मही। लेकिन हमारे आवश्यकताओं को पूर्ता करने के लिए अच्छी तरह से हमको अगर मिलना है वो, तो हमको धर्म का रास्ता चुनना पड़ेगा। और धर्म में सबसे मुख्य धर्म है यज्ञ करना। तो इसलिए पृथु महाराज इधर यज्ञ कर रहे थे। ऐसा बोलते हैं, प्रभुपाद बोलते थे कि जैसे पृथ्वी माता जो है वो भगवान विष्णु की पत्नी है, भू देवी। तो अगर पति को हम अगर हम संतुष्ट करेंगे तो माँ अपने आप, पिता को अगर हम संतुष्ट करेंगे तो माँ अपने आप हमको अच्छी तरह से ख्याल रखेगी। लेकिन जैसे अगर बेटे पिता के विरुद्ध जाते हैं तो माँ को भी वो अच्छा नहीं लगता। और क्या करती है माँ, वो सभी जो आवश्यकता है उसको वो पकड़ लेती है पीछे। तो इसलिए हम आजकल की दुनिया में देखते हैं कि कहीं पानी के लिए झगड़ा चल रहा है, लोगों को डर लग रहा है कि तेल खत्म हो जाएगा, या ऑक्सीजन की भी कमी पड़ रही है आजकल। पानी जहाँ पे चाहिए वहाँ पे नहीं गिरता है, और जहाँ पे नहीं चाहिए वहाँ पे ज़्यादा गिरता है। तो इस तरह से पूरा जो व्यवस्था है वो पूरा हिल गया है। आप सोचिए, अगर हमको अपने आप से पानी इधर से अगर हमको 100 किलोमीटर तक हमको लेके जाना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आदमी कितना लेके जा सकता है? एक टैंकर, दो टैंकर, 10 टैंकर, तो वही उसके लिए बहुत बड़ा खर्चा हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं भगवान हिमालय से लेके बंगाल तक पानी कितना अरबों अरबों लीटरों में लेके जाते हैं। उसी तरह से वो बादलों के रूप में क्या करते हैं, समुन्दर से पानी उठा के वो एक जगह से दूसरा जगह तक लेके जाते हैं। जैसे आसाम तक बारिश पहुंचती है, जो ये समुन्दर से लेके आसाम तक। तो भगवान ही वो सब दे सकते हैं, आदमी के हाथ में कुछ नहीं है। आदमी को लगता है कि मैं बहुत बड़ा, बहुत बड़ी उपलब्धि कर चुका हूँ, लेकिन अगर भगवान अपना स्क्रू टाइट कर देंगे तो तुरंत एक व्यक्ति को सांस लेने को भी नहीं होगा, पानी को पीने के लिए भी उसको असुविधा हो जाएगी, उधर से उसको छोड़ना पड़ेगा। जैसे हम देखते हैं आजकल का शहर, जैसे बम्बई का शहर, उधर समझो पानी का सप्लाई बंद हो गया, तो जो करोड़ों लोग रह रहे हैं उधर, उसमें से सबको उधर छोड़ के निकलना पड़ेगा। जैसे हम सुनते हैं, जैसे साउथ अफ्रीका जो जो कंट्री है उसमें डरबन नाम का शहर है, उधर इतना बड़ा अकाल हो गया कि गवर्नमेंट ने रेशनिंग शुरू किया पानी का। जैसे हम रेशन में देते हैं 1 किलो शुगर, 10 किलो आटा, उसी तरह से पानी का भी रेशन। तो रोज सुबह एक व्यक्ति 3 लीटर का कैन लेके आ सकता है, और उसके पूरे दिन के यूज के लिए वो कैन का पानी बस। तो आप सोचिए, वैसे तो उधर उनको इतना मुश्किल नहीं होगा क्योंकि वो लोग नहाते नहीं, वो लोग धोते, उनको इतना आदत नहीं है। लेकिन आप सोचिए, भारत में अगर एक व्यक्ति को बोला जाएगा, ये लो भाई आपके लिए आज का 1 बकेट पानी, और ये पानी में आपको पूरा दिन गुजारना है, कल आपको और 1 बकेट मिलेगा, तो आपको क्या लगता है कैसे रहेगा उसका जीवन? उसी पानी में उसको पीना है, उसी पानी से नहाना है, उसी पानी से गुल्ला करना है, उसी पानी से सब कुछ करना है, तो असंभव है। तो भगवान ही एक्चुअली पूरा जो शहर है उसको भगवान मेंटेन कर रहे हैं। पूरा जो हमारा इतना बड़ा ये लग रहा है हमको सिविलाइजेशन, बड़े बड़े ट्रक घूम रहे हैं, बड़े बड़े ट्रेन घूम रहे हैं, एरोप्लेन से लोग घूम रहे हैं, वो किसके बल घूमते के ऊपर है? भगवान के बल पे ही है वो। तो उस वो न जानने के कारण जो व्यक्ति अनग्रेटफुल, कृतज्ञ कृतज्ञ रहता है, वो व्यक्ति को ये सब बंद हो जाता है। तो आजकल का दुनिया का जो प्रॉब्लम्स है ये शुरुआत है, इसको कोई पॉलिटिकल ये सॉल्व नहीं करता, पार्टी सॉल्व नहीं कर सकता, ना ही सबसे अच्छा गवर्नमेंट मिलिट्री ये सॉल्व कर सकता है।
प्रॉब्लम्स तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे जब तक वो संकीर्तन यज्ञ को पालन नहीं करेंगे। प्रभुपाद इधर लिख रहे हैं तात्पर्य में, बोल रहे हैं देयरफॉर दिस सिस्टम ऑफ संकीर्तन शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन ऑल स्पीयर्स ऑफ लाइफ, सोशल, पॉलिटिकल, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, देन एवरीथिंग विल रन वेरी पीसफुली एंड स्मूथली। तो अगर हमको पूरा ये दुनिया अच्छी तरह से स्मूथली चलाना है तो क्या करेंगे, करना पड़ेगा, संकीर्तन करना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति ने खेती किया है तो सिर्फ बीज डालने से पेड़ नहीं आता, वो सही टाइम पे बीज डालना चाहिए, वो बारिश उसको उस समय गिरना चाहिए बीज के ऊपर। और जैसे बीज बढ़ते हैं तो अलग अलग कीड़े उत्पन्न होते हैं, तो वो कीड़े उत्पन्न न हो इसलिए जो वातावरण है वैसा बनना पड़ता है अपने आप। और जो जैसे अगर जैसे उड़ीसा में क्या होता है, जैसे आपका सब फसल खड़ा हो गया तो कभी कभी उधर बहुत बड़ा ये आ जाता है बारिश, पूरा फसल बर्बाद हो जाता है। तो अगर ये जो प्रकृति हमारे साथ कॉपरेट नहीं करेगी तो एक व्यक्ति फसल भी नहीं उगा सकता, अपने आप से हम फसल नहीं उगा पाएंगे। हमको लगता है हम बड़ा इरिगेशन सिस्टम बनाएंगे और बड़े बड़े ग्रीन हाउस बनाएंगे, लेकिन अगर अगर प्रकृति हमारे विरुद्ध हो गई तो हमारे पास कोई भी आवश्यकता हमको नहीं मिलेगी। फिर 8वें श्लोक में बता रहे हैं, उहु सर्व रसानां नदयः क्षीरं दधि अन्न गोरक्षान् तरवो गुरी वर्षमानैः प्रासूयन्त मधुच्युतः। द फ्लोइंग रिवर सप्लाइड ऑल काइंड्स ऑफ टेस्ट, स्वीट, पंजंट, सावर एक्सेट्रा, एंड वेरी बिग ट्रीज सप्लाइड फ्रूट एंड हनी इन अबंडेंस। The cows, having eaten sufficient green grass, supplied profuse quantities of milk, curd, clarified butter, and similar other necessities. तो व्यक्ति को जीवित रहने के लिए जो चाहिए वो सब कुछ इधर दे दिया। नदियों की कृपा से क्या हो गया, बहुत अच्छे फसल मिल गए और बड़े बड़े वृक्ष जो है वो फल और हनी, उनके फूलों से जो मधुमक्खियाँ मध बनाते हैं वो मध मिल रहा था, और काउस जो गाय हैं वो बहुत सारा दूध, मक्खन, दही वो दे रहे थे। तो जैसे ही ये जमीन है उसको अगर अच्छी तरह से हमको फसल उगाना है तो दो चीजें आवश्यक है, एक है पानी और दूसरा है खत। जो खत है वो गाय के गोबर से और अच्छा खत इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। अगर हम गाय को खुद प्रसन्न रखेंगे, बहुत सारे संख्या में गाय रखेंगे, तो ऐसा नहीं कि गाय को पालने में हमको मुश्किल होगा, वो गाय के गोबर से ही हमको इतना सारा फसल मिलेगा। वही फसल का जो भी हम नहीं खाएंगे, जैसे हम अनाज खाएंगे तो उसका जो बाकी टहनिया है वो गाय को खिलाना है, गाय वो घास खाएंगी। तो इतना आसान है एक्चुअली, खेती में गोबर डालिए और जितना चाहिए उतना फसल निकालिए। तो गाय का संरक्षण करने से एक व्यक्ति का सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। तो हमको दूध, दही, मक्खन मिल जाता है, उसके साथ साथ गोबर से मेडिसिन हो जाते हैं, गोबर से चूल्हा भी जलता है। तो एक व्यक्ति को क्या चाहिए, प्रोटीन, एनर्जी, विटामिन, सब कुछ गाय का दूध में मिल जाता है। जो घास में है सब कुछ विटामिन है, हम तो घास नहीं खा सकते, ये हमको पता है। जैसे कोई बीमारी का बीमार होता है तो उसको बोला जाता है दुर्वा घास का जूस पियो। बहुत सारे लोगों, कैंसर वालों को बोलते हैं कि वीट ग्रास पियो। तो ग्रास में जो घास है उसमें बहुत ये रहता है, पुष्टि रहती है, बहुत सारे विटामिन रहता है, लेकिन घास तो हम नहीं खा सकते। लेकिन अगर वही घास अगर गाय खाएंगे और वो गाय से हमको जो दूध मिलेगा उसमें आप सोचिए कितना विटामिन रहेगा। तो एक व्यक्ति सिर्फ दुष्ट पुष्ट रहने के लिए दिन भर अगर दूध, दही, मक्खन खाएगा और थोड़ा सा अन्न खाएगा तो आराम से जी सकता है। तो प्रभुपाद बोलते थे कि ये जीवन सबसे अच्छा जीवन है, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग कैसे रहता है, सुबह एक व्यक्ति उठेगा फिर वो स्वच्छ होके अपने भगवान का पूजा करके, जपा करके, जैसे ही सूरज उगेगा उसके साथ साथ वो खेती में काम करने के जाएगा।
और खेती में काम करके बहुत अच्छी तरह से 2-3 घंटा काम करेगा और धूप जैसे तेज हो जाएगा तो आराम से वापस वो घर आके बैठ सकता है, और घर आके बैठ के वो फिर से कथा कीर्तन करना कर सकते हैं दोपहर तक। दोपहर में प्रसाद लेके थोड़ा रेस्ट लेना है तो रेस्ट लेके शाम को फिर से एक बार खेती में जाना है, फिर से थोड़ा बहुत खेती किया, इधर का उधर सब कचरा निकाला, मिट्टी के साथ काम किया, पानी दिया, और शाम रात तक फिर से वापस घर में आके प्रसाद लेके कथा कीर्तन करके सो जाना है। तो ये एक्चुअल जीवन है, इसलिए प्रभुपाद बोलते थे हमको क्या करना चाहिए, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग या वर्णाश्रम उसको एस्टेब्लिश करना चाहिए, ना ही कि शहर में, जैसे शहर में हम देखते हैं लेट उठना, लेट सोना और 16 घंटा काम करना स्क्रीन के सामने, तो इससे क्या होगा, वो शरीर भी बिगड़ जाएगा उसका, मस्तिष्क भी बिगड़ जाएगा। लेकिन अगर खेती करेगा और उसको जो खाने के लिए जितना चाहिए उतना मिल आराम से मिल सकता है उसको, उसको कोई मुश्किल नहीं है, कपड़ा खाना और घर, ये 3 चीजें आराम से उसको उसकी पूरी हो जाएंगी, और बाकी का क्या, समय कीर्तन और भजन हमको इकट्ठा आके ड्रामा कर सकते हैं, इकट्ठा आके बहुत सारे इवेंट्स कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, कथाएं कर सकते हैं, अलग अलग सन्यासी को बुला सकते हैं। तो ऐसा जीवन था। तो ये जीवन के लिए जो आवश्यकताएं है वो पृथ्वी देवी पूरी करती है। तो इधर बता रहे हैं कि भगवान बता रहे हैं, आई एम द ओरिजिनल सीड ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस, पूरा जो सृष्टि है वो मेरे ऊपर ही निर्भर है, भगवान बीज है, हम बीज प्रदापिता। तो बीज का जो टेक्नोलॉजी है वो भगवान ने बनाया, कोई मनुष्य ने बीज नहीं बनाया। अगर सभी बीज खत्म हो गए या बीज निष्फल हो गए तो इस दुनिया में कौन उगाएगा। जैसे अगर मैं खेती करना चाहता हूँ तो सबसे आवश्यक चीज़ है कि मैं ढूंढ के बीज लेके आता हूँ, उसके बाद आगे का प्लानिंग, बीज ही नहीं है तो आप क्या करेंगे उधर। तो उस तरह से भगवान बोल रहे कि बीज भगवान देते हैं, और उसी तरह से जो बड़े बड़े फॉरेस्ट थे वो फॉरेस्ट में क्या क्या नहीं मिलता है, फॉरेस्ट में हमको हनी मिलता है, फॉरेस्ट से अलग अलग फल मिलते हैं, पहले के लोग उसमें से जो जानवर है उसके लेदर मिलता था, और फॉरेस्ट से लकड़ियाँ मिलती है जिससे लोग अलग अलग चीज़ें बना सकते हैं। तो इस तरह से जो जंगल है वो जंगल को भी प्रोटेक्ट किया गया था, और खेती करते थे और गायों का पालन करते थे, बस ये सिंपल जीवन। आज की तरह इधर से उधर दौड़ो, पूरा दुनिया घूमो और उसके बाद थक के कोई शक्ति भी नहीं है, और वो लोग सिर्फ इंद्र तृप्ति में लग जाते हैं। फिर 9वां श्लोक, सिंधवो रत्ना निकारान गिरयो अन्नम चतुर्विधम उपायनम उपाचारु सर्वे लोका सपालका। फिर महाराज पृथ्वी को जो अलग अलग ग्रहों के जो ये थे डेटीज, किंग पृथ्वी वॉज प्रेजेंटेड विद वेरियस गिफ्ट्स फ्रॉम द जनरल पॉपुलस एंड प्रीडोमिनेटिंग डेटीज ऑफ ऑल प्लैनेट्स, द ओशंस एंड सीज वर फुल ऑफ वैल्यूएबल ज्वेल्स एंड पर्ल्स एंड द हिल्स वर फुल ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, 4 kinds of edibles were produced profusely। तो देख रहे हैं कैसे जो प्रकृति है इतनी सुंदर तरीके से पृथु महाराज को सब कुछ दे रही थी। जैसे आजकल अगर हम समुद्र में जाएंगे तो उधर क्या मिलता है, क्या बोलते हैं उसको, सीशेल्स, तो उसके वो भी थे ही, उसके साथ साथ समुद्र के लहरों में क्या आते थे, बहुत महंगे महंगे जेम्स आते थे, बहुत महंगे महंगे स्टोन्स आते थे, लाल नीला ग्रीन वाइट ट्रांसपेरेंट इस तरह के, वो लेके बहुत सारे अंगूठियाँ नेकलेस ये सब बना सकते हैं, और सभी जो ज्वेल्स हैं उसके अलग अलग गुण रहते हैं, कोई शरीर को ठंडा करता है, कोई गर्म करता है, कोई अलग अलग ग्रहों के प्रभाव को कम करता है। तो इस तरह से बहुत सारा बहुत सुंदर भी दिखा जा सकता है और बहुत शरीर को उससे लाभ भी मिलता है। तो इस तरह से वो को ज्वेल्स मिलते थे, और जो हिल्स जो पहाड़ है वो पहाड़ से क्या मिलता था, केमिकल्स, पहले मात्रा में भी माइनिंग होता था, आज होता है ऐसा नहीं है, जैसे
से इतना पूरा पूरा पहाड़ को खड्डा बना देते हैं। नहीं, इतने मात्रा में लोखंड का जरूरत नहीं था। पहले के लोग लोखंड किस लिए यूज करते थे? तलवार, एरोज और थोड़े फर्नीचर्स थोड़ा बहुत, और उसके बाद मेनली प्लाविंग के इक्विपमेंट्स जो है उसके लिए हथौड़ी और ये सब। तो ज़्यादा से ज़्यादा बहुत कम लगता है उसके, उतना ही। आजकल जैसे घर में बनाते हैं वैसा नहीं, ऐसा वास्तु के हिसाब से कम लोखंड जितना यूज़ किया जाएगा उतना वास्तु शुभ है। आज तो हम देखते हैं पूरा लोखंड का ही बना रहे हैं। तो पहले लोखंड पकड़ता नहीं था पूरे इसको घर को, वो बहुत बड़े घर नहीं बनाते थे, बहुत बड़े महल सिर्फ राजाओं के लिए था, वो पत्थर का बनता था। लेकिन सामान्य व्यक्ति एक फ्लोर के बहुत सुंदर बड़े मकान बना सकते हैं और बहुत अच्छी तरह से मिट्टी का बना सकते हैं, बहुत सुंदर भी बना सकते हैं। तो इस तरह से वो मिनरल्स मिलता था पहाड़ों से, और पहाड़ों से क्या मिलता है? फर्टिलाइजेशन। जैसे देखते हैं कि इतने सारे पहाड़ पे जंगल रहता है, वो सभी पत्ते बारिश में बह के नीचे आ जाते हैं और वो पत्ते सड़ के उससे बहुत इतना अच्छा खत बनता है। ऐसा बोलते हैं कि सबसे उपजाऊ जमीन पहाड़ के नीचे, जस्ट नीचे है पहाड़ के। इसलिए हम देखते हैं पहले लोग ज्यादा पहाड़ के ऊपर नहीं रहते थे। पहाड़ के ऊपर हम कोई भी बड़ा सिटी नहीं देखेंगे पहले के जमाने में। कहाँ रहते थे? नदी के तट पे या तुरंत पहाड़ के वैलीज में नीचे। तो पहाड़ के जो नीचे रहता है उसको पानी का कमी नहीं पड़ता, क्योंकि पहाड़ क्या करता है, पूरा पानी को अपने में स्टोर कर लेते हैं। और जैसे एक आदमी नीचे से यूज करता रहता है तो ऊपर पहाड़ से वो पानी नीचे 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 आ जाता है, तो नेचुरल टैंक की तरह है वो। तो इस तरह से पहाड़ काम करते थे, और पहाड़ से ही उनको जो भी मिनरल्स है वो नीचे आ जाता था बह के। तो पहाड़ के नीचे रहना बहुत बहुत ही अच्छा था। उधर सबसे सबसे अच्छा जमीन, सबसे अच्छा पानी, और बहुत तंदुरुस्त और आराम से वो रह सकते हैं। तो ये उनको कुतुब महाराज का ये था, सब कुछ दे रहे थे, पहाड़ और नदियाँ। तो बता रहे कि अलग अलग केमिकल्स भी मिलता था। केमिकल्स मतलब जैसे चूना हो, चूना बहुत इम्पोर्टेंट केमिकल है, उसे खाने के लिए भी यूज़ करते थे और अलग अलग कार्यों के लिए यूज़ करते थे, पेंटिंग वगैरह। और इधर पिटकरी और ये बहुत बहुत नेचुरल, जो सेंधा नमक और ये सब जो नेचुरल केमिकल्स हैं जो शरीर को हानिकारक नहीं होते वो मिलता था। आजकल का आप एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जो भी केमिकल भगवान ने दिया है वो हमारे सेहत के लिए अच्छा है। जो भी सृष्टि भगवान ने किया है वो हमारे सेहत के लिए अच्छा है। जो भी सृष्टि मनुष्य करता है वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। जैसे आजकल हम इतने सारे गोलियां लेते हैं, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन डी, अभी लेना चाहिए, कोविड है इसलिए। लेकिन इतना ध्यान रखिए कि सी विटामिन जो नींबू से मिलेगा और जो सी विटामिन वो गोली से मिलेगा, उसमें जमीन अंतर का फर्क है। अगर आप नींबू पियेंगे तो आपको गोली से भी बहुत अच्छा विटामिन मिलेगा, और वो जो विटामिन सी नींबू से मिलता है वो शरीर के लिए बहुत अमृत का काम करेगा। ये जो गोली से मिलेगा उसमें थोड़ा सी विटामिन मिलेगा और जो बाकी का चीज़ है उसको किडनी को ओवर टाइम करके वो बाहर निकालना पड़ेगा। उसी तरह से बाकी का विटामिन और ये सब जैसे एक आदमी ने बनाया, जैसे आप देखे हैं हम गुल्ला किससे कर सकते हैं? गोमूत्र से भी कर सकते हैं गला साफ करने के लिए, हल्दी से भी कर सकते हैं, वो भी एंटीसेप्टिक है। उसके साथ साथ आजकल वो दूसरा वो देते हैं बेंजोइन, ऐसा कुछ तो है, उससे भी गुल्ला करते हैं, मतलब मैन मेड है वो। तो वो अगर आप करेंगे तो हल्दी सबसे अच्छा है, उसको क्यों करने का जरूरत है? तो आप देखिए जितना नेचुरल ऑप्शंस मिलता है उतना आप लेंगे तो आपके शरीर के लिए अच्छा है। जितना आर्टिफिशियल ऑप्शंस मिलेंगे उतना ही हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, क्योंकि ये जो शरीर है वो भगवान ने बनाया या प्रकृति ने बनाया। तो प्रकृति का शरीर जो है उसके लिए प्रकृति ने बनाया हुआ ही चीज सूट करेगा। अगर हम आर्टिफिशियल चीज देंगे तो शरीर क्या करेगा उसको? उसको वेस्ट प्रोडक्ट है, वो वेस्ट है, वो निकालेगा उसको जबरदस्ती। तो इस तरह से हम ये कर सकते हैं।
इधर प्रभुपाद बहुत सुंदर बता रहे हैं कि आजकल हम ओशन से क्या निकालते हैं, समुन्द्र से मछलियां निकालते हैं। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि पहले समुन्द्र हीरे जवाहरात देती थी, और आजकल समुन्द्र क्या दे रही है, मछली दे रही है। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं, 1 टन मछली अगर पकड़ेगा एक व्यक्ति, उसका वैल्यू 1 जेम से भी कंपेयर नहीं किया जा सकता, 1 हीरे से कंपेयर नहीं किया जा सकता। तो पहले समुन्द्र से हीरे जवाहरात मिलते थे, और आजकल लोग क्या कर रहे हैं, समुन्द्र से मछलियां निकाल रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं जमीन आसमान का फर्क। तो इसलिए प्रभुपाद बता रहे इधर, यज्ञ करने से क्या होगा, ऑटोमेटिकली केमिकल्स आएंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, अपने आप से खेत खलियान अच्छे हो जाएंगे, और सभी तरह का जो नेसेसरी हो ठीक हो जाएगा। जैसे आजकल हम खेती करने से लोग डरते हैं, बहुत सारे लोग खेती छोड़ छोड़ के भाग आते हैं शहर में, नहीं खेती नहीं मिलता, खेती नहीं होता। अगर वो संकीर्तन करेंगे तो खेती इतना आसान हो जाएगा। जैसे पहले युधिष्ठिर महाराज का टाइम पे बताते कि आप सिर्फ वो बीज फेंक दीजिए इसमें जमीन पे, तो 12 गुना ज्यादा उसका उपजाऊ मिलता था। इतना सारा आपको कुछ करने का जरूरत ही नहीं, जितना चाहिए उतना जंगली जानवर भी खाने दो, बहुत सारे कीड़े पक्षियों को खाने दो, कीड़े मकोड़े भी खाने दो, वो सब निकालने के बाद भी जो मनुष्य को ये मिलेगा अन्न, वो मनुष्य खा के भी उसको खत्म नहीं कर पाएगा। इसलिए वो बात में उसको ऑस्पिशियस के रूप में खेलते थे, उसको मतलब तो रख देते थे बहुत बहुत दिनों तक, तो उतना अन्न और अनाज मिलता है। तो इधर अगले से बता रहे हैं, इति चादोक्षजे अस्य कृतोस्तु परामोदयम् आशुयान भगवान इंद्रः प्रतिघातम् अचिकारत्। किंग ऋतु वॉज डिपेंडेंट ऑन द सुप्रीम पर्सनल ऑफ गॉड हु इज नोन एज अधोक्षज, बिकॉज किंग ऋतु परफॉर्म सो मेनी सेक्रीफाइसेस ही वॉज सुपर ह्यूमनली एनहांस्ड बाय द मर्सी ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। किंग ऋतु's opulence, however, could not be tolerated by king of heaven Indra, who tried to impede the progress of his opulence. तो पृथु महाराज के पास इतना सारा ऐश्वर्य था, क्योंकि वो इतने बड़े बड़े यज्ञ करते थे भगवान की प्रसन्नता के लिए, कि लक्ष्मीपति भगवान जो है वो स्वयं इतने प्रसन्न हो गए कि उनका ऐश्वर्य कई गुना ज्यादा बढ़ गया, और उनका ऐश्वर्य इतना बढ़ गया कि इंद्र को भी उनके उनसे क्या होने लगी, ईर्ष्या होने लगी। मतलब दूसरे शब्दों में बोलेंगे तो उनका ऐश्वर्य इंद्र से भी ज्यादा हो गया। जैसे हम देखते हैं कि एक साधारण मिडिल क्लास व्यक्ति को देख के अंबानी को ईर्ष्या नहीं होगी, जैसे ही अंबानी जी कहीं जाएंगे फॉरेन में और देखेंगे बिल गेट्स है, अरे इसका ईश्वर तो मेरे से भी ज्यादा है, तभी उसको ईर्ष्या होगी। तो इंद्र को ईर्ष्या होना मतलब ऋतु महाराज का जो ऐश्वर्य है वो इंद्र के समान हो गया, इतना उनका ख्याति हो गया। इसलिए इंद्र को भी लगने लगा कि अरे ये मेरी तरफ बढ़ रहा है, मेरी तरह ख्याति प्राप्त कर रहा है, मेरी तरह ऐश्वर्य प्राप्त कर रहा है। तो इसलिए वो क्या हो गए, बहुत एनवियस हो गए, और उनको लगा कि मैं इनका जो प्रोग्रेस है वो रोकना चाहिए। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि कैसे कलयुग में जो है बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने आप को भगवान घोषित करते हैं, और भगवान घोषित करके वो भगवान को भी, भगवान के प्रति भी ईर्ष्या उत्पन्न करते हैं। द वर्ड भगवान इंडिकेट्स दैट लिविंग एंटिटी दैट कैन बी एग्जॉल्टेड पावरफुल एज किंग इंद्रा। नहीं, कलयुग के भगवान के पास है ही कितना शक्ति, उनके पास कुछ शक्ति ही नहीं रहता, फिर भी अपने आप को भगवान बोलते हैं, और जो मूर्ख व्यक्ति है उसको भगवान मानते हैं। लेकिन भगवान मतलब वो व्यक्ति जो बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत ऐश्वर्य है उसके पास। तो इंद्र को भी इधर भगवान बोला गया है, भगवान इंद्र, तो क्योंकि उसके पास उतना शक्ति था, उतना उसके पास ख्याति था। तो किंग इंद्र इज एड्रेस्ड एज भगवान बिकॉज ही हैज सो मच पावर इन हिज हैंड्स, डिस्पाइट हिज बिकमिंग भगवान ही इज एनवियस ऑफ द इनकार्नेशन ऑफ गॉड पृथु। तो हम देख रहे हैं
भगवान इंद्र बोलते हुए भी, भगवान की पदवी मिलते हुए भी उसको क्या हो रही है, ईर्ष्या हो रही है। यह भौतिक जगत का नियम है, नियम है या लक्षण है। भौतिक जीवन में या भौतिक जगत में सब बहुत सभी लोगों के हृदय में क्या है, एनवी है। प्रभुपाद बोलते थे कि एनवी या ईर्ष्या जो है वो अनर्थ सबसे लास्ट में जाता है। काम वासना भी जाएगा बीच में, लेकिन जो एनवी है वो सबसे आखिर में जाएगा। तो देखना चाहिए कि हम कैसे वो एनवी के साथ हम डील करेंगे। तो एनवी के साथ डील करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, भगवान का और भक्तों का प्रशंसा सुनना चाहिए, महान आचार्यों का गुणगान करना चाहिए। और वो गुणगान करते करते जब हमारा उसके प्रति आकर्षण बढ़ जाएगा, तभी हमारे हृदय में से एनवी निकलता जाएगा। तो आगे का जो श्लोका है वो कल करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हरे कृष्ण।